हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कैसे किस तरह से जिस बंदे ने लेस्टर को किडनैप करा हुआ था उसने हमें पूरे टास्क दिए थे कि वेयर हाउस खरीदो, ड्रग्स चोरी करके लाओ, ड्रग्स को जो है डिलीवर करो, उसके बाद एक बंदे को मारने का भी वो हमने सारा मिशन कम्प्लीट कर दिया था। और फाइनली भाई उस बंदे का जो है हमारे पास मैसेज आ चुका है कि आ जाओ तुम मेरे एरिया में, वहाँ पर जो है लेस्टर को रखा हुआ है। तो उसने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा और मैं और माइकल ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ खतरे वाली बात है वहाँ पर। हालांकि हम उसकी एरिया में जा रहे हैं जो कि है भाई पलेटो बे में, इस एरिया में कहीं पर जाना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने आने वाली है। इसलिए दो जने भी हम अगर जा रहे हैं तो काफ़ी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी कुछ भी होगा तो अपने सीजे भाई भी है वहाँ पर ग्रू स्ट्रीट में, अपना ट्रेवर भी है पलेटो बे में ही, तो सारे लोग आ जाएंगे मदद के लिए। बोल ले भाई लोग, नई गाड़ी की ऐसी तैसी करनी है। एक तो माइकल मुझे ना चलाने नहीं देता ये वाली गाड़ी, क्योंकि उसे पता है मैं कितनी रफ चलाता हूँ, वो तो कुछ भी हो सकता है, और उसका सही कहना भी सही है बिल्कुल। अबे 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 अबे, बच गए बच गए भाई। अभी अभी बैनी ने ठीक करके दिया, वो भी कहेगा कि भाई दो दिन तो ढंग से चला लेते कम से कम, रिपेयर करके दी, मॉडिफिकेशन करके दी, और काफ़ी अच्छी बन गई यार इसकी लैम्बोर्गिनी सियान, मतलब मस्त चल रही है, काफ़ी स्मूथ। ओहो गजब भाई गजब। हाँ तो भाई देखते हैं वो जाके क्या सीन बनता है वहाँ पर। और भाई वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग, लाइक एम रखते हैं 20,000 लाइक्स का, इन्हों आप लोग करवा दोगे बहुत जल्दी। भाई कंटेंट थोड़ा सा चेंज होके भी आएगा अगले महीने, PS5 आ रही है, तो PS5 की गेम्स की भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे या फिर अपना गेम प्ले डालेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं PS5 की लाइव स्ट्रीमिंग करूं या फिर दूसरी गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करूं तो बता देना कमेंट सेक्शन में। 90% लोग GTA देखने वाले हैं तो उनको बाकी गेम्स पसंद आएगी या नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो भाई पता चल जाएगा। और फुल स्पीड में जा तो रहा हूँ भाई मैं, काफ़ी दूर है, इतना रास्ता दिखा के वैसे क्या ही करूँगा, क्योंकि गाड़ी कुछ इतनी खास भी नहीं है कि पूरे 5 किलोमीटर का रास्ता ही आपको दिखाता जाऊँ। लो भाई ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें बुलाया गया था, इसी रोड पर लोकेशन दिखा रहा है वो मैप में, आपको क्राउन सा दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो वही लोकेशन है उन बंदों की। ओ भाई साहब यहाँ तो हेलीकॉप्टर, ओ बे ये बेस इनका है क्या, ये तो मिलिट्री वाले है। अबे फायरिंग शुरू कर दी हम पे ही, ओ भाई फायरिंग शुरू कर दी इन्होंने आते ही, भगो भाई ये तो अटैक करने लग गए, इन्होंने क्या हमारे ऊपर वो बिछा रखा था क्या जाल, जैसे ही हम आएंगे भाई शुरू हो जाएंगे। ओ तेरी, कहाँ गया वो हेलीकॉप्टर, पहले इस हेलीकॉप्टर को ही बजाऊँ मैं, बहुत भुदक रहा है। हाँ भैया चल भाई निकल तू, अबे फूटा नहीं हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर नहीं फूटा भाई, मिसाइल लग के भी और बार। अरे यार एक तो एंगल गलत बन रहा है भाई, ये हेलीकॉप्टर कुछ तो गड़बड़ है मेरा, एक तो लॉन्चर इस पे निशाना नहीं लगा पा रहा है। ओ हो गया हो गया हो गया, शुक्र है भाई। चलो 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 आ जाओ भाई, आ भाई माइकल फटाफट आ, लेट्स गो। मैंने भी बंदूक ले लिया, माइकल ने भी ले लिया, अब चलते हैं। भाई ये मिलिट्री वाले हैं या कोई वैसी गैंग है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर अगर इनके घूम रहे हैं यहाँ पर तो कुछ तो पंगा है ही है। वो देखो वो रहा, एक यहीं से मारने की कोशिश करते हैं इनको, पर नहीं लग रहा, रुको। अरे यार गाड़ियाँ नहीं फोड़नी मेरे भाई, हाँ 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 यही है यही है यही है। चल भाई एक और हेलीकॉप्टर गया, घूम पिछले वाले पे भाई पूरी मिसाइल लगी थी फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था, इस वाले पे लग गई है। चलो वो भाई साहब यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं, बट भाई लेस्टर को बचा के आना ही पड़ेगा, ऐसे हम हार नहीं मान सकते। अच्छा वो हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली थी पूरी। ओहो हो वो देखो भाई छत पे भी बंदे हैं, पूरे हर जगह स्नाइपर्स बैठे हुए हैं। तेरे निकलो भाई निकलो, ये तो पीछे पड़ गए। ओ तेरी माइकल मार, ओ भाई साहब, अबे यार ये अबे क्या हो रहा है, इनको तो गोलियां भी नहीं लग रही क्या। ओ तेरी पागल हो गए भाई, निकलो 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 भाई, अबे भाई साहब ये तो गोलियां भी नहीं लग रही, कैसे कमांडोज है ये। हाँ मर रहे मर रहे, शुक्र है मैं तो कहूँ मरी ना रहे कहीं। अबे कौन है यहाँ से फेंक रहा है, निशाना बार बार चूक रहा है, भगो मेरे को भी निकालनी पड़ेगी अपनी मिसाइल। ओ ये अब आएगा मज़ा, आओ भाई बहुत खतरनाक आर्मर है इनके, जल्दी से नहीं मर रहे ये, ऐसा क्या बेस बना रखा है भाई, ये देखना कितनी गोलियां मार दी मैंने। चलो भाई निकलो,
वो माइकल के पीछे पड़ गया। अबे भाई आए जा रहे आए जा रहे हैं। ओ तेरी, भाग भाई भाग, नहीं मेरी समझदारी अभी तो। निकलो 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 निकलो। ओ तेरी भाई, गलत ही सीन हुआ पड़ा है। मिनी गन ये देखो भाई, मिनी गन की कितनी गोलियां लग रही है जब जाके मर रहे हैं। इनके पास कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला अपना बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा हेडशॉट्स मारने पे लग रहा है ये, देखो हेडशॉट मार रहा हूँ तो जल्दी मर रहे हैं। आर्मर इनके कुछ ज्यादा ही वो है क्योंकि इनको कुछ असर नहीं हो रहा है उसके अलावा। ये देखो हेड पे लगते ही मर रहा है बंदा। ओ तेरी भाई, एक तो मैं ना मिसाइल भी नहीं छोड़ सकता अंदर क्योंकि लेस्टर होगा, तो सबसे बड़ा तो डर वो है कहीं वो भी ना मारा जाए। इस पे तो मारूंगा फिर, ये व्हीकल बहुत दिमाग का है। हटा, हट गया, चलो ये तो एंट्री तक नहीं लेने दे रहे, इतना तगड़ा जाल बिछा रखा। बट ये है कौन भाई, हमारी क्या दुश्मनी है इनसे, मैं तो जानता तक भी नहीं क्यों कर रहे ये। ओ तेरी, अबे 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 टैंक आ गया। ओ तेरी, ओ भाई आ गया, आना मिसाइल, टैंक फटेंगे भी, फट जा भाई। अबे तो टैंक ही ना फटके दे रहा। बच गए बच गए। ओ नो ओ नो, भाग भाग भाग, बच गए सही टाइम पे खड़े हुए भाई। भाई बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। तेरा एक आओ गए, अच्छा वो अंदर छुप गया मैं, क्योंकि बाहर तो भाई वो टैंक की दिमाग खा रहा है। उस पर मैंने कम से कम 10 गोले दान दिए तब भी जाके मर फूटा नहीं वो। ओ तेरी, शिट 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 शिट, यहाँ भी आएगा टैंक। अबे कौन है, हाँ ये रहा बंदा। ओ भाई निकलो भाई निकलो यहाँ से भाई, इनके पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आर्म व्हीकल्स है क्या, हटने को ही नहीं दे रही। कितने गोले मार दिए मैंने, हट निकल। ये देखो पटी ना रही, मारे जा रहा हूँ मारे जा रहा हूँ। ओ भाई ये टैंक अंदर आ गया, चल बे। ओ तेरी ओ तेरी, ओ भाई छुप जाओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक हो रहा है भाई। ये टैंक तो यहाँ भी आ गया, छुपने का मौका ही नहीं दे रहे भाई ये लोग। वो देखो जहाँ जा रहा हूँ वहीं पे ही पेल रहे हैं धमाधम धमाधम। और माइकल पता नहीं कहाँ गया, मेरे को लग रहा है वो डर के भाग गया, डरपोक आदमी। आओ भाई आओ, अब आओ भाई साहब, हर फ्लोर पे एक एक बेस बना रखा है, इतना खतरनाक देखना। गाड़ियां ही नहीं फटके दे रही, मेरे तो समझ नहीं आ रहा भाई कौन से मटेरियल की गाड़ियां बना रखी है, देखना कुछ नहीं हो रहा भाई। फायर ब्रिगेड तक आ गई, निकल गए ये टैंक भाई, हमें ले जाना पड़ेगा एक टैंक, बहुत काम का टैंक लग रहा है ये, मतलब कि इतने खतरनाक टैंक भाई, फटने को ही ना हो रहे। ये देखो ये टैंक फट नहीं रहा भाई, मैंने इस पर कितने गोले मार दिए, छुपना पड़ेगा। चढ़े जाएंगे क्या हम, खुले हुए टैंक देखने पड़ेंगे, अगर खुला होगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। अच्छा अच्छा घुस 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 घुस, नहीं घुस रहा भाई, है ही नहीं, टैंक का दरवाज़ा लॉक है। अबे गन निकल जा, मिनी गन। ये देखो मैं इनकी चेस्ट पे मार रहा हूँ भाई, सही में कुछ नहीं हो रहा इनको। हाँ कौन बचा अब, बट लेस्टर कहाँ है भाई, लेस्टर को कुछ नहीं होना चाहिए।
अभी बाहर निकल। ओ भाई खुद को ही फोड़ लिया बेचारे ने, पूरे सूट्स इनके तो तगड़े वाले हैं, गोली अंदर घुस ही नहीं रही है। लेस्टर है कहाँ भाई? लेस्टर को ढूंढने आए। ओ ये रहा लेस्टर। अबे मर चुका है क्या? रुको पहले यार, नहीं बता। आए बे निकल बाहर, भाग कहाँ रहे हैं यार? ये टैंक का कुछ करना पड़ेगा, टैंक नहीं संभल रहा मेरे से, मतलब मार ही जा रहा है गोले कहाँ से मार रहा है। ये रहा, आ जा बे, ये लास्ट ही बंदा है मेरे हिसाब से। ओ भाई हालत ख़राब होगी, ये गाड़ियाँ कौन से उसकी बनी हुई है। अरे ये रहा अंदर, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये रहा तो मैं बताएगा। ये रहा अंदर, दिख 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 दिख, इधर देख। चलो भाई हो गया काम। ओ भाई हालत ख़राब हो गई है सही में। ये देखो ये अपने ही लड़े जा रहे हैं। अबे आ तुम्हें अलग शो हो रही है। लेस्टर को देखना पड़ेगा भाई, ख़त्म तो कर दिया मैंने सबको। लेस्टर ठीक हो बस। क्या लेस्टर कहाँ था? ये रहा। ओ भाई अरे गोली वोली तो नहीं लगी, बेहोश है मुझे लग रहा है। चल भाई उठ जल्दी उठ। तो भाई लेस्टर को उठा दिया है, बेहोश हुआ पड़ा था और पड्डी पे बिठा लिया। एक तो इतना भारी है, मोटा सा, देखना चला भी नहीं जा रहा भाई ढंग से। बट कोई नहीं, यहाँ पे सबको ख़त्म कर ही दिया, और कोई आएगा भी तो गोलियाँ मार ही दूंगा। तो फटाफट से जाते हैं भाई बाहर, क्योंकि माइकल तो फुर हो गया है, वो इतने सारे बंदों। अबे कौन चला रहा है गोलियाँ? चला रहा था ना कोई गोलियाँ? जल्दी जल्दी निकलो, खोल बेटा खोल जल्दी। अबे यार गाड़ी तो यहीं कहीं खड़ी करी थी। अच्छा हाँ माइकल लेके भाग गया होगा। चलो भाई कोई यहीं से गाड़ी चुरा लेते हैं। निकलो भाई निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि और इनकी आर्मी आ जाए। पता नहीं भाई कैसे खतरनाक से लोग हैं इतने ज़्यादा। चलो निकलो निकलो, और माइकल को तो भाई मैं बताऊँगा जाके, जो वो एंड मौके पे धोखा दे के भागा है ना, अच्छे से बात करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको कहाँ ले जाऊँ? ड्राइवर के घर पर भी ले जा सकता, यहाँ पर बहुत दूर है, मेरे वाला ही घर ही पास पड़ेगा। तो लेस्टर को वहीं ले जाते हैं भाई, और फिर मिलते हैं वहीं पे जाके। लो जी पहुंच गए हैं हम अपने घर वाली रोड पर, और लेस्टर भी काफ़ी नशे में लग रहा है अभी तो। मैं इसको अरे 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 गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है भाई। ओ भाई बच गए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको अंदर करता हूँ फटाफट से, और फिर आपसे शांति से बात करेंगे एक बार। माइकल को भी बुला ही लूँ, ये वैसी चोरी की गाड़ी है भाई, वापस करनी है तो। Several days later. तो यार आज दो दिन बीत चुके हैं उस वाली बात को, लेस्टर को मैंने अपने घर में रखा हुआ है, और माइकल से मेरी बात तो हुई है। माइकल को मैंने थोड़ा समझाया कि तूने गलत किया भाई, ऐसे छोड़कर आ गया। तो उसने कहा यार सॉरी वोरी बोला, मैंने कहा ठीक है चल जा, माफ़ कर दिया तेरे को। और अभी ना भाई हमारा प्लान बन रहा है शोरूम खरीदने का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि मुझे लेना है भाई कार और बाइकों का शोरूम। तो माइकल कह रहा है आधे पैसे इन्वेस्ट मैं कर दूंगा, आधे पैसे तू इन्वेस्ट कर दे। तो लॉस सैंटोस में इस टाइम पे ना दो खाली शोरूम बिका हुआ है, तो मैं अभी वही देखने के लिए जा रहा हूँ पहला शोरूम का कैसा है। क्योंकि वो दोनों ही शोरूम भाई पहले किसी गाड़ियों के होते थे, बट वो ऐसी थी जैसे प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट है ना, उस टाइप की गाड़ियाँ मिलती थी, मिक्स गाड़ियाँ। तो अब वो जो डीलर है उसने अपनी सारी पुराना स्टॉक जो है क्लियर कर दिया और खाली कर दिया पूरा शोरूम। तो अब वो शोरूम भाई पूरा खाली है, तो अब हम जाकर वहाँ पर अपना इंडियन कार्स एंड इंडियन बाइक्स का शोरूम खोल लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। यही वाला कट है अंदर जाके, कहाँ पर है? अच्छा ये शोरूम है, ओके ठीक है भाई। ओ भाई गाड़ी भी आई हुई है यहाँ, तो अपनी बाइक को यहाँ खड़ी कर देते और एक बार देख लेते भाई कैसा लगने में। मैं ड्रोन उड़ाता हूँ ऊपर से, पता चलेगा असलियत। तो भाई देखो ये वाला है पूरा शोरूम, और ऊपर हेलीपैड भी है इसमें, बैक साइड में यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस है गैराज वगैरह के लिए। अंदर से कैसा है वो भी देख लेते एक बार चल के। हेलमेट उतारो पहले पाजी। ओके तो नाम है फुकारू। ओहो तो यहाँ पर होती है भाई गाड़िया वाड़िया मॉडिफाई या फिर रिपेयर। और इसके अलावा पूरा ऑफिस खाली पड़ा भाई, कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। बड़ी सी क्लॉक लगी हुई है, और ऊपर जाने पे देखते हैं भाई। मेरे को यार इतना खास नहीं लग रहा है, ये जगह नहीं है यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी करने की। ओहो भाई सब कूड़ा कपड़ा मचा हुआ है यहाँ तो सारा। ऑफिस पूरा बंद हो चुका है। इतना नहीं है यार मस ऊपर, मतलब काउच वाउच लगा रखे देखना, और गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी करने की जगह है नहीं। तो छोड़ो यार ये वाला इतना पसंद नहीं है। बाकी आप लोग जो कहोगे कमेंट सेक्शन में भाई लेना तो वही है, तो कमेंट सेक्शन में राय दे देना। आप दूसरा देखने के लिए चलते हैं, वो अच्छा हुआ तो वही फाइनल कर देंगे। बाकी आप तो बता ही दोगे जो आपको अच्छा लगेगा। मुझे पता है इतना कि ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो लोगों को भी ऑब्वियसली बात है नहीं पसंद आएगा। तो चलो जी बाइक पे बैठो फटाफट, हेलमेट लगाओ। और कहाँ पर है वो वाला? ये इस जगह पे कहीं पे बताया गया है। तो ये है कैसीनो डायमंड के वहाँ पर,
कैसीनो डायमंड कह रहा हूँ, डायमंड कैसीनो के वहाँ पर। तो ये वाला एरिया थोड़ा भाई पॉश एरिया है मेरे हिसाब से, अच्छा ही होना चाहिए। आराम से चल 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 चल, इतना दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। और भाई ये वाला वैसे मेरे घर से भी पास ही पड़ेगा ना, और माइकल का घर भी ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम आ भी सकते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड। यार अभी इस बार ना हम भाई पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि पहले क्या करते थे, हम अपनी बिजनेसेस वगैरह खरीद के तो रख लेते थे, बट उन पर ध्यान नहीं देते थे, अपना टीम को लगा देते थे और वही संभालते थे पूरा बिजनेस। बट अब ऐसा नहीं है भाई, अब हम इस शोरूम पे प्रॉपर ध्यान देंगे। हमें ये लॉस सैंटोस का भाई सबसे बड़ा शोरूम बनाना है गाड़ियों का और बाइकों का, स्पेशली इंडियन गाड़ियों का और बाइकों का, क्योंकि लॉस सैंटोस में अभी सिर्फ एक प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट है जो इंडिया से कार इम्पोर्ट करवाता है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो मैंने सोचा यार अब हम ही करवाए करेंगे भाई ढंग से। तो ओके ये रहा भाई, सही है यार ये तो। ये डायमंड कैसीनो है एंड रिजॉर्ट, और ये है अपना क्या भाई साहब, बढ़िया लग रहा है, खुल जा सिम सिम। ये राइट साइड में पूरा शोरूम है, आराम से खुल जा। तो अंदर चलते हैं, बाइक को यहीं लगा देते हैं एक बार, ये यहाँ खड़ी कर देते हैं बाइक। तो भाई मशीन वशीन भी काफ़ी तगड़ी तगड़ी है यहाँ पे। ओ तेरी, देख रहे हो भाई पार्ट्स वार्ट्स पूरे हैं यहाँ तो गाड़ियों के। और ये देखो कितने सारे सर्विस के एरिया है, पर ये खाली पड़ा है अभी भी, एक दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक बार बाहर से दिखा दूँ ये शोरूम दिखता कैसा है। तो ये तो है भाई इसकी फ्रंट साइड, इसमें हेलीपैड नहीं है, बट भाई बहुत बड़ी जगह है। ये भी एरिया पूरा डायमंड कैसीनो वालों का ही है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं सर्विसिंग वगैरह के लिए। और दिखने में शोरूम काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी सारी बाइकें काफ़ी सारी गाड़ियाँ अंदर स्टोर कर पाएंगे हम, तो अच्छी बात है ये भी। इसके अलावा भाई ऊपर वाली मंजिल में भी पूरी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं हम, नीचे अगर हम पूरा रिपेयरिंग का बना दें, ऊपर जाके बना देंगे शोरूम, तो सही है यार। मुझे ये वाला बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया है। बाकी देख लेंगे यार जैसा भी आपको समझ आएगा, वरना डन ही कर देंगे अगले एपिसोड में। तो चलो भाई फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओ भाई साहब रास्ता देखो कहाँ कहाँ से है, तो लाइक शेयर जरूर कर देना। 20,000 25,000 लाइक्स का एम रख देते हैं, आई नो आप लोग करवा दोगे। और मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ आ गया मैं ये, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling